हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज इसके मार्क्स जो होंगे वो आपके फाइनल में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है और आज हम करने वाले हैं पैसेज। तो पहले जो डायरेक्शन दी हुई है वो देख लीजिए कि डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे आपको डार्क कर देना है सर्कल को पेन या पेंसिल से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या बताया गया है कि एयरप्लेन्स हैव द रेपुटेशन ऑफ बींग डेंजरस एंड इवन हार्डी ट्रैवलर्स आर इंटीमिडिएटेड बाय देम। बोला क्या गया है कि जो एयरप्लेन होते हैं वो थोड़ा मतलब कि कई लोगों को डर लगता है और ये बहुत ही हार्ड होता है कि मतलब कि हाँ, ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव द ग्रेव डिसवांटेज। क्या होता है कि एयरप्लेन का एक अपना ग्रेव डिसएडवांटेज है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे लोग तो इसीलिए उसमें ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं सभी ट्रांसपोर्ट में से, ठीक है। तो मतलब लेकिन हाँ, हम इसका जो मैच है और किसी ट्रांसपोर्ट के साथ नहीं कर सकते कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और इसमें इतना कंफर्ट होता है और ट्रैवलिंग कितना 30,000 feet ऊंचा जाके ट्रैवल करते हैं, ठीक है, क्लाउड्स से दूर एकदम, और 500 miles इन एन आर, मतलब एक घंटे में 500 mile डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये इज़ एन एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस होता है। यू डू नॉट हैव टू डिवाइस वेज ऑफ टेकिंग योर माइंड ऑफ द जर्नी फॉर एयरप्लेन गेट यू टू योर डेस्टिनेशन रैपिडली। आप अपने मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे आपको जाना होता है वहाँ आप जल्द से जल्द पहुँच जाते हो क्योंकि ये इतना तेज़ इसकी स्पीड होती है, इतना कम्फर्ट होता है इसमें। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रैवल इज दैट डज नॉट मेक यू फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। इसमें खास बात क्या होती है कि आपको टायर्ड फील नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ट्रेन से, बस से, ऑटो रिक्शा से, किसी से भी ट्रैवल करके आते हो काफ़ी लॉन्ग आवर्स के बाद, तो आप बहुत ही ज़्यादा थक जाते हो। आप सोचते हो कि हाँ, मुझे थोड़ा रिकवर करना है अपने आप को, आप सो जाते हो या रेस्ट ले लेते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है क्योंकि आप कुछ ही घंटों के अंदर पहुँच जाते हो और वो भी आराम से। तो अब फॉर अ फ्यू आवर्स यू सेटल बैक इन आर्म चेयर टू इन्जॉय द फ्लाइट। आपको करना कुछ नहीं होता है, जाके अपनी आर्म चेयर होती है वहाँ पे, आपको उस पर सेटल हो जाना होता है और अपनी फ्लाइट को इंजॉय करना होता है। द रियल एस्केपिस्ट कैन वॉच अ फ्री फिल्म, और वहाँ पे आप फ्री में फिल्म शो भी देख सकते हो और किसके साथ आप घूंट लेते जाइए ठंडी या गर्म कोल्ड ड्रिंक के, ठीक है, ये चाहे आप कॉफ़ी पीजिए चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। बट इवन विन सच रिफ्रेशमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि अगर ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट नहीं दिया, रिफ्रेशमेंट में नहीं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं दिया तो मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ प्लेंटी टू कीप यू ऑक्यूपाइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे बिजी रख सकती हैं, ठीक है। सो बोला गया है कि एन एयरप्लेन ऑफर्स यू एन अनयूजुअल ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। आपको मतलब इतना सेटिस्फैक्शन होता है जब आप एयरप्लेन में बैठते हो, आप बाहर देखते हो कि कितना अच्छा लगता है, आप पूरे वर्ल्ड को देख पाते हो। यू सोर एफर्टेसली ओवर हाई माउंटेन्स, आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हो, डीप वैली से यानी गहरी खाइयों से होके गुजरते हो, आप उस ज़मीन को देख पाते हो जो नीचे है, ठीक है। तो इफ द लैंडस्केप इज हिडन फ्रॉम द व्यू, ऐसा नहीं है कि मान लो अगर वो ज़मीन ही छिपी रह गई तो क्या मज़ा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। यू कैन इन्जॉय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लाइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स, आप अपने चारों तरफ ये अनब्रोकन मतलब कि जो बिखरे पड़े हैं क्लाउड, आप उनको देखो, ये लंबी लंबी घाटियाँ फैली हुई हैं जो उनको देखो बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी आँखें जा सकती हैं। वाइल द सन शाइन्स ब्रिलियंटली इन अ क्लियर स्काई, आप सूरज को देख सकते हो कि जो चमक रहा है इतने साफ और सुंदर मौसम में, इतने क्लियर स्काई में। द जर्नी इज सो स्मूथ, जर्नी इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है दैट देयर इज़ नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग, कि आप मतलब ऐसा नहीं है थके थके से, आप इतनी कंफर्ट, इतने स्मूथ जाओगे तो या तो आप वहाँ पे बैठ के रीडिंग ही करोगे या तो आप सो ही जाओगे। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा नहीं होगा कि आप एक लंबी जर्नी करके आए हो तो आपको थका थका सा महसूस करना होगा या आपको अपने कुछ दिन अपने आप को रिकवर करने में स्पेंड करने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं, फर्स्ट बोला गया द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज़ दैट, क्या है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी, सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि यू डोंट फील टायर्ड, आप थका हुआ बिल्कुल महसूस नहीं करते हो जर्नी के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाउ वन कैन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी, अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हो, बाय वॉचिंग
पीपल प्ले नो बाई रीडिंग एंड स्लीपिंग. आप या तो खुद सो जाओ ठीक है, या तो आप कुछ रीडिंग कर लो, तो आप ऐसे बिजी रख सकते हो अपने आप को. यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन, ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बोला है, इनसाइड को हमें कुछ नहीं बोला गया है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट है हमारे पास कि द एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस. एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस क्या है कि ऑल ऑफ द अवर कि आप यहाँ से गुजरते हो, फिर 500 माइल्स एन आवर आपका स्पीड रहता है, आप 30,000 फीट ऊंचा उड़ते हो. ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर इंटीमीडिएटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा टेरिफाइड. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि करेक्ट द करेक्ट डेटा माइनस टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको यहाँ डेटा माइनस फिल करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, डैश द मैन दैट वी सॉ टर्नड आउट. तो क्या हो जाएगा, दैट द मैन, तो आंसर हो जाएगा द मैन दैट वी सॉ टर्नड आउट टू बी अ थीव. अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दैट दिस ब्लू वॉज अ फेवरेट कलर. तो कि आ ब्लू, कि द ब्लू, ही टोल्ड मी दैट द ब्लू. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका द ब्लू. तो ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है. तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश द सन इज अबाउट टू सेट. को क्या चीज़, यहाँ पे भी आ जाएगा द, क्योंकि हम जब भी हम कहीं सन देखते हैं, अर्थ देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती या कभी भी जा नहीं सकती, उनके आगे हमेशा द लगता है. ठीक है, जो हमेशा के लिए यहीं रह जाती हैं. तो आप जैसे ही देखोगे सन, अर्थ या किसी ऐसे पर्सन का नेम जो हमेशा के लिए रह जाएगा, वहाँ पे आप द लगा सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द डैश बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक्स वेरी एक्सपेंसिव. तो कौन से बूट्स, दोज बूट्स शी इज़ वेयरिंग, दीज बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव. दोज की, दीज की, दैट की, दिस क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा दीज बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक्स वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीकेंड, डू यू वॉन्ट टू कम. तो आ जाएगा दिस वीकेंड, इस वीकेंड जा रहा हूँ मैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दी, दोज कर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आपका असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. आप अपने असेसमेंट कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को फटाफट सेंड कीजिए, और हाँ अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे डाउट सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. और आप मुझे भी बता दीजिए कि आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में. ओके, बाय बाय.